हमारे वीडियो में देख रहे होंगे कि हमने बच्चे का वजन पूरी तरह से लिख लिए हैं। जन्म के समय का वजन था 2 किलो 600, उसके बाद 1 महीने में 2 किलो 800, 2 महीने में 3 किलो, फिर 3 माह में 3 किलो 300 ग्राम, ऐसा करके हमने 11 माह तक लिख लिए हैं। तो जन्म के समय का वजन हमने लगाए हैं 2 किलो 600 ग्राम में। इसी तरह 1 महीने के बच्चे का वजन है हमारा 2 किलो 800 ग्राम, तो हम कहाँ लगाएंगे, 2 के बाद 8 लाइन गिन लेंगे और यहाँ डॉट रख के गोला लगा देंगे। इसी तरह से हम 2 माह में 3 किलो वजन में यहाँ लगा देंगे। इसी तरह से हम 11 माह तक कर लेंगे, जो कि मैंने पहले से तैयार कर ली हूँ। इसके बाद हम देखेंगे 11 महीने का हमने वजन फिल कर दिए हैं। उसके बाद जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसका वजन हो जाता है 8 किलो 100 ग्राम, तो हम 8 किलो 100 ग्राम में यहाँ डॉट लगाएंगे और यहाँ इसे लगा देंगे। इसके बाद हम सारे डॉट को मैच कर देंगे। तो आप हमारा ग्राफ चार्ट बनते हुए देख रहे होंगे, तो सबसे पहले जो नीचे का रेड पोर्शन होता है वो अति गंभीर कुपोषित होता है। उसके बाद जो पीला वाला भाग होता है वो क्या होता है, मध्यम कुपोषित होता है। और उसके बाद जो नील हरा कलर का पार्ट होता है वो होता है हमारा सामान्य। तो ये देखिए, जो ये रेखा गई है ग्रोथ चार्ट की, वृद्धि चार्ट की, पहले बच्चा इसमें रेड में था, मतलब ये अति गंभीर कुपोषित था। इसके बाद धीरे 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 जब इसका वजन बढ़ा तो ये कहाँ चला गया, पीले में, पीले के बाद ये सामान्य में आ गया, मतलब अब आपका बच्चा सामान्य में आ गया है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको ग्रोथ चार्ट बनाना बताया था कि ये किस तरह से बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आए, तो लाइक करें एंड शेयर करें। और आप इस तरह से बनाना सीख सकते हैं कि हम वृद्धि चार्ट कैसे बनाते हैं।